लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेट टाइम मिनट्स हम कैलकुलेट करेंगे। फर्ज करें एम्प्लाइज का जो टाइमिंग है वो 8 बजे है, जबकि कुछ एम्प्लाइज है जो कोई 8:15 और 8:30 बजे यहाँ पे दफ्तर में आई है। फिर 1 से 2 बजे हमने ब्रेक निकाला, इसलिए टाइम इन टाइम आउट दो दफा हमने यहाँ पे टाइम पुट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फार्मूला के तहत टोटल टाइम निकाला और यहाँ पर दोस्तों काउंट इफ फार्मूला को अप्लाई किया है, जिसमें दोस्तों हमने ये कैलकुलेट करना है कि टोटल कितने एम्प्लाइज है जो कि लेट टाइम में आ रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटे वाले बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। सबसे पहले दोस्तों यहां पर डेट इंटर करें, कोई भी डेट हो, मैं यहां पे सैंपल के तौर पर डेट पुट करता हूँ 1/2/2021। एंटर करें, इसको दोस्तों मैं ड्रैग कर लेता हूँ Ctrl+Shift+3 को, ये फॉर्मेट देना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों टाइम इनपुट करें, फर्ज करें 8:00 AM टाइम आउट। यहाँ पर दोस्तों मैं दो तरह का टाइम इन और टाइम आउट पुट करता हूँ, क्योंकि 1 घंटा की ब्रेक होती है, तो यहाँ पर 1:00 PM, फिर दोस्तों 2:00 PM और 5:00 PM। यहाँ दोस्तों मैं फार्मूला पुट करना चाहता हूँ, बल्कि इसको पहले कॉपी करें Ctrl+C, यहाँ पर पुट करें Ctrl+V, Ctrl+V² यहाँ पर दोस्तों फार्मूला पुट करते इक्वल टू ब्रैकेट ओपन टाइम आउट माइनस टाइम इन ब्रैकेट क्लोज प्लस टाइम आउट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन टाइम आउट माइनस टाइम इन ब्रेकेट क्लोज। एंटर करते तो यहाँ पर दोस्तों फिक्स 8 घंटे आ रहे हैं, इसको दोस्तों ड्रैग कर दें। यहाँ दोस्तों अगर ये फॉर्मेट आपके पास कोई और आ रहा हो तो यहाँ पे नंबर में क्लिक करें और यहाँ कस्टम में जाए। कस्टम में दोस्तों ये आप देख रहे हैं कई सारे किस्म के फॉर्मेट आपके पास हैं। यहाँ पर H और M जो MM आ रहे हैं, यानी हावर और मिनट जो आ रहा है, इस फॉर्मेट पर आप क्लिक करें तो आपके पास इस तरह का आएगा। अब दोस्तों मैं इसको 8:15 कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पर 7:45 आ गया। या इसको दोस्तों कर ले 4:40, तो आप देख रहे हैं दोस्तों 7:40 आ रहा है। अब दोस्तों इसका मेन मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे हम काउंट करें कि कितने एम्प्लाइज़ हमारे पास यहाँ पे लेट टाइम में आ रहे हैं, कितनी मरतब आ रहे हैं, 1 है 2 है। तो क्या फार्मूला है, इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू टाइम इन ग्रेटर देन, तो दोस्तों क्या फार्मूला है, इक्वल टू काउंट इफ्स इनटू D5 T12 जो कि हमारा टाइम इन है, ये ऊपर से लेकर आखिर तक सेलेक्ट किया, कामा ग्रेटर देन इक्वल टू 8:15, यानी यह अगर 8:15 से बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, AM स्पेस देख के AM लिखे कामा, इसको दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, यहाँ ग्रेटर देन और यहाँ AM के बाद डबल इन्वर्टेड कामा पुट करें कामा, G5 G12 यानी टाइम आउट यहाँ से लेकर आखिर तक इसको सिलेक्ट करें कामा, डबल इन्वर्टेड कामा में दोस्तों बंद करें, लेस देन इक्वल टू 5 PM, 5 के बाद दोस्तों 0:00 डाल के मिनट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों स्पेस दे के PM पुट करें। एंटर करते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास काउंट लेट टाइम 1 आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं इसको 8:30 कर लेता हूँ, इसको दोस्तों मैं 8:30 कर लेता हूँ, तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर लेट टाइम 2 आया है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।